साढ़े दस बज गया, उठो। हाँ गुड मॉर्निंग। दर्द हो रही है? दर्द हो रही है? कहाँ दर्द हो रही है? अभी सोना है? अभी सोना है? सोना है? गुड मॉर्निंग दादा। ये बैठे हैं भैया पंडित जी, टीवी का पूरा आनंद लेते हुए और देख रहे हैं पोगो। छोटा भी हूँ ये छोटा हाथी छोटा भीम देख रहा है, समझ रहे हो? क्या क्या बाहर चले अल्मोड़ा देखें? चलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे भी हो गए, हम रुक चुके हैं, हम देखें रेडी हो चुकी है, हम रेडी हो गए हैं, बाकी सब लोग पता नहीं है, बाकी भी सब रेडी हो गए हैं और हैं धीरे धीरे। क्या देखिए रेडी हो रहे हैं, यहाँ की मार्केट दिखाते हैं आपको। देखिए ये यहाँ की मार्केट है, हम लोग खास बिल्कुल वहाँ मार्केट में है, बिल्कुल यहाँ मेडिको मार्केट में है। ये सामने दुकान भी है खाने पीने की, लेकिन हम लोग यही खाएंगे, यहाँ रेस्टोरेंट भी है ऊपर ही है। छत पे आ गए हैं और छत से आपका व्यू दिखाते हैं कैसा है। प्यारा है, बहुत प्यारा व्यू है। ये देखिए आप लोग, ये देखिए व्यू कितना ही प्यारा है। सुबह 8:30 बज चुका है, धूप निकल आई है, बाकी व्यू देखिए आप चारों तरफ। ये हम लोग अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, इस समय मेन मार्केट में है। 7 बजे आए थे ऊपर तो कोहरा गिर रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। ये अब देखो सब दिख रहा है, ये काफ़ी जूम कर रखा है। ये और खाने में आई है चाय पराठा, इधर है चार, क्योंकि हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं, उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे जोशीमठ जाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से। यहाँ पीछे गाड़ी खड़ी थी और ये मार्केट है, बाकी हम लोग निकल चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब दीपक गए हैं पानी लेने, तो जी गाड़ी चलाएंगे। हम लोग इस साइड में जाना है, इस रोड पे जाना है। अब इधर से हम लोग आए थे, इधर साइड से जो कहाँ जो कहाँ बता रहा, जो जागेश्वर धाम जा रहे थे, मेरे मुँह से निकल के आया था जोशीमठ, हम लोग जोशीमठ में जा रहे हैं, जागेश्वर धाम जा रहे हैं। अभी हम लोग देखिए अल्मोड़ा की मार्केट में जा चुके हैं, और बादल भी तो होता है अल्मोड़ा के बादलों में। अच्छा, और ये सामने आपको मकान दिख रहे होंगे, ये देखिए कितने ऊंचे पड़ा, ये है प्रकृति का नया नज़ारा। ये देखिए आपको पहाड़ दिखाते हैं, कुछ उधर देखिए कुछ पहाड़ों पे अंधे भी अंधेरा दिख रहा है, कुछ पे धूप लग रही है, पेड़ आते रास्ते में बीच में, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। ये देखिए आप, देखिए आप कितना सुंदर नज़ारा है, कितना ही सुंदर नज़ारा है। हम लोग यहाँ पे रुके हैं फोटोशूट और इंस्टाग्राम रील के लिए, और ये देखिए यहाँ का कुछ व्यू इस तरह से है, और चश्मा निकाल लें क्योंकि फ़ोटो बढ़िया आएंगे चश्मे में। अब वो हमारे दो कैंडिडेट देखो वहाँ कहाँ पे खड़े हैं, अभी हम लोग भी वहाँ पे जाएंगे, बाकी नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना ही सुंदर है। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा, ये कौन पार्क है, तो कहाँ जाना हम लोग, जागेश्वर धाम, इधर से हम लोग जाएंगे और इधर से हम लोग आए हैं, ये जाता रास्ता ये जाता है। ये देखिए इधर का ये व्यू देखिए, ये देखिए उधर इसमें धूप नहीं आ रही है पहाड़ों पे, फिर बीच में कलर बादलों का, फिर इधर आगे सबसे आगे ग्रीन है, आगे स्कूल देखिए, उसके स्कूल आगे बोर्ड लगा हुआ स्कूल का, ये देखिए देख लीजिए घर बैठे बैठे नज़ारे, ऊपर ये बादल देखिए। अब हम लोग यहाँ से जागेश्वर धाम मंदिर बचा है 1.5 किलोमीटर, और सकरा रास्ता आ गया है काफ़ी, और ये काफ़ी घना भी है। फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, ये हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, ये कुछ नज़ारा, दीपक अंगड़ाई ले रहे हैं, गुरु जी हमारे उतर रहे हैं अभी। ये देखिए पहाड़ यहाँ के, ये छोटा सा मंदिर है, हमें लग रहा माता जी का है, हाँ माता जी का। और ये गाड़ी का हमारा सीन ये है, गाड़ी भी हमारी ठीक ठाक है, साफ सुथरी है, क्योंकि सुबह गाड़ी साफ़ हो गई थी। हम लोग यहाँ मंदिर आ चुके हैं, मंदिर में हम लोग जूता चप्पल उतार दिया, जब हमने अपने शूज़ उतार दिए हैं, अब यहाँ पे से हम लोग प्रसाद लेते हैं, प्रसाद खरीद रहे हैं, हम लोग भी प्रसाद खरीदेंगे, 151 101 ये सब प्रसाद है, हाँ सब अलग अलग। ये पूरा मैप बना हुआ है,
इसी तरह से हम घूम सकते हैं। ये देखिए हवन कुंड है, मृत्युंजय टेम्पल है, नवग्रह टेम्पल है, कई सारे हैं, वीडियो में देख लेना आप पुश करके। बाकी ये मंदिर अभी दिखाते हैं दृश्य, जो आज हम लोग को दर्शन बहुत ही आराम से हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये देखिए अंदर उसका लाने का श्रेय हमारे गुरु जी को जाता है, जो मुस्कुरा रहे हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, मन बिल्कुल शांत हो गया भाई। देखिए अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं था, लेकिन दूर से ही ले रहे हैं ये। बाकी आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए। ये देखिए अभी आप लोगों को दर्शन कराते हैं, ये लोग हट जाएं। चारों तरफ से मंदिर कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये है कहते केदारनाथ ना है ये, अच्छा इस तरह से बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये अल्मोड़ा से करीब 35 से 37 किलोमीटर आगे है जगेश्वर धाम। यहाँ मंदिर का कार्य चलता रहता है, बराबर साफ सफाई होती रहती है, भक्तगण लगे हैं साफ सफाई में। पहाड़ों के बीचों बीच में बसा हुआ है ये जगेश्वर धाम मंदिर। यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना मन शांत हो गया है। हम लोग तो आए थे सिर्फ घूमने, लेकिन यहाँ नहीं पता था कि हम लोग यहाँ आएंगे, और लेकिन जब पता चला कि यहाँ 40 किलोमीटर है जगेश्वर धाम, तो हम लोग यहाँ भी घूमने आ गए। और ये हवन कुंड है, यहाँ पे हवन अमन होता है। बाकी आप आपको मंदिर का ये मंदिर है, ये देखिए मंदिर, पीछे मंदिर बना हुआ है, पूरा पीछे मंदिर है जगेश्वर धाम। अभी ये वाला पेड़ देखिए कितना विशाल, कितना विशाल, ये देखिए ये कहाँ से कहाँ है, कुछ ने कुछ कम से कम 100 फीट होगा ना, 100 फीट होगा कम से कम। ये लवकुश मंदिर है, ये देखिए सब ताड़ेश्वर मंदिर बना है आगे, ये सब सारे सब मंदिर ही बने हैं। ताड़ेश्वर कहलाए थे। मंदिर के दूसरे गर्भगृह का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है, नवंबर से पूर्व इनको पूरा करना है। पेड़ देखिए विशाल का है, एक दो वृक्ष हैं, और ये देखिए दो वृक्ष जा रहे हैं। तुरंगनाथ पेड़ बताते हैं इसको, कितना बड़ा, देखिए ये जा रहा है। निकल रहे हैं जगेश्वर धाम से, और और यहाँ से हम लोग जाएंगे कैंची धाम। और देखिए ऊपर का नज़ारा देख लीजिए चारों तरफ से एक बार लास्ट बार। ये गाड़ी हम लोग के साथ चली थी, बहुत ही मजबूत गाड़ी है, किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं, और पूरी रास्ते हमारे गुरुजी ने ड्राइव की है। बाकी भैया ने थोड़ी देर ड्राइव की थी, करीब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक, बाकी हमने तो भी ड्राइव नहीं की, हम खाली इंजॉय ले रहे हैं बस। ये देखिए अब टाटा बाबा करते हैं जगेश्वर धाम को, निकल जय भोलेनाथ, चलते हैं आगे सफर की ओर, आराम करते हैं अपना सफ़र मज़ेदार, और सभी लोग गाड़ी में प्रवेश। बोलो हर हर महादेव। हम लोग निकल चुके हैं 2-4 किलोमीटर आगे आ गए, और ये देखिए नज़ारा यहाँ का, ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ के हैं, शायद चीड़ के हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना किस चीज़ के पेड़ हैं। और गाड़ी निकल चुकी है हमारी, देखिए कितनी स्पीड में चल रही है, 25 की स्पीड में चल रही है मात्र, और दूसरे गियर में चल रही है, तीसरा गियर, पाँचवा गियर तो खैर 100 किलोमीटर से भी देखने को नहीं मिला है, पाँचवा गियर कब पड़ेगा, देखिए अब तीसरे में आ गया है। बाकी पूरी फुर्ती से गुरुजी हमारे ड्राइव कर रहे हैं, अब तो एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि 100 किलोमीटर का एक्सपीरियंस हो गया है। नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, जगेश्वर, अब वापसी हो रही है, अब फिर से उसी वापसी रोड पे हो रही है, तो बिल्कुल अब तो कतई कॉन्फिडेंस है कि कहाँ कैसे क्या गड्ढा है, कैसी रोड है, तीन है ही आप लोगों के। और यहाँ का मौसम अब मतलब थोड़ी देर में ही ठंडा, और थोड़ी देर में मतलब गर्मी लगने लगती है, ऐसा मौसम है यहाँ का। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे गुरुजी का जरूरत जरूरी काम था तो रुके थे, और हम लोग यहाँ पे रील बनाने लगे थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ख़राब लग रही है देख के, कि देखो सब लोग यहीं खा पी के ये डाल देते हैं, यही लोग सब करने आते हैं, सब लोग यही मतलब ये देखिए है, सब पहाड़ों को गंदा कर रहे हैं, देखिए ये सब देखिए, समझ रहे होंगे क्या कर रहे हैं, कृपया सब लोग ऐसा ना करें। देखिए अब हम लोग यहाँ पे बैठना, हम लोग बैठना होता है तो गंदगी कितनी है, और ये सब पड़ा है, ये देखिए सब, ये देखिए केला खा के, ये मांस प्लास्टिक बैग, जो ये कभी गलता भी नहीं है, आप इसको अपने साथ में रख लीजिए, इसको कैरी बैग में डाल लीजिए, जहाँ पर आप लोग मतलब कहीं आपको डस्टबिन मिले वहाँ डाल दो, गंदा लगता है देखने में। देखो
बाकी लोग उधर देखो बैठे हैं भाई, अपना कोई बैठे यहाँ पे कुछ भी अपना थोड़ी देर फोटो उठो जाए तो सब खराब लगता है देखने में। बाकी मौसम बहुत अच्छा है इधर। ये इधर रास्ता देखिए और हमारे साथ पीछे वाला देखिए, एकदम मतलब बिल्कुल पतला रास्ता है, सिंगल रास्ता है लेकिन है बहुत बढ़िया, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं इस रोड पे है और सिंगल मतलब आराम से रोड बड़े बढ़िया है, साफ सुथरी है, बहुत अच्छी बनी हुई, कोई दिक्कत नहीं होती, जाम वाम भी ज़्यादा नहीं मिला है, सिंगल रोड है, आराम से चलते चले, कोई भीड़ नहीं, आराम से इंजॉय करते हुए आओ। अब आगे दीपक चले गए और पीछे सीट पर हम आ गए हैं क्योंकि आगे बैठे बैठे सर चकराने लगा था बार बार आगे देखे थोड़ा लग्जरी का मजा लेना है, थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर कंफर्टेबल होकर आराम करेंगे थोड़ी देर एक घंटे के लिए। बाकी अब दीपक आके बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आगे नहीं मिल रहा है, सपोर्ट करेंगे और मतलब पीछे बिल्कुल आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, वाह ठंडी हवा लग रही है, वाह वाह वाह। हम लोग दो ढाई तीन घंटे में रानीखेत पहुँचेंगे, फिर अब उसके बाद सीधा वही ब्लॉक बनाएंगे, अगर बीच में कोई प्लेस अच्छा दिखा तो दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी देखिए इधर के नज़ारे देखते जाइए आप लोग, ये दुकानें हैं छोटी छोटी, बढ़िया बढ़िया दुकानें भी हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, मतलब किसी बार कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे आपको, दूध चाय होटल रेस्टोरेंट हर चीज़ मिल जाएगी आपको। अभी ये जो मार्केट है ये बाड़े छीना मार्केट है, जो मतलब क्या जागेश्वर धाम से नीचे आते हो, जागेश्वर धाम से जब करीब 8-10 किलोमीटर हम लोग नीचे आ जाते हैं मतलब वापसी में, तो ये पड़ती है मार्केट, अब काफ़ी मतलब ठीक है, कस्बा टाइप से है, गांव भी नहीं कह सकते, नहीं कस्बा साहब टाइप से है। ये देखिए रुक गए हैं एक जगह पे, यहाँ पे हम लोग कुछ दिखा तो हम लोग ने सोचा आप लोग को भी दिखाएं। ये देखिए गोंद कैसे निकाला जाता है, ये देखिए है, ये लोग जिसे लगा गए हैं ये गोंद निकल रहा है, अपने बाद में निकाल के ले जाएंगे, ये देख रहे हैं इसमें ये गोंद निकाल रहे हैं, हमने तो पहली बार देखा तभी हम लोग आप लोगों को भी दिखा दें। ये देखिए इसमें भरा हुआ है, ये देखिए गोंद इसमें फुल हो चुका है और उसमें अभी नहीं हुआ है, ये खाली है, ये देखिए इसमें से इतना काट देते हैं लोग और यहाँ से गोंद निकाल लेते हैं, वो हम लोग वहाँ से अभी हम लोग उस रोड तक जाना है। बारिश होने लगी है, ये देखिए बारिश ये होने लगी है, पहाड़ों का मौसम हर समय चेंज हो जाता है, कभी बारिश कभी कोहरा कभी ठंड कभी गर्मी, अब इस समय बारिश, हर जगह हर चीज़ का मौसम यहाँ पर, हर चीज़ का मौसम, देखिए बारिश अभी हल्की हल्की हो रही है, ये देखा पता चल रहा होगा आपको। बाकी इधर देखिए, इधर नहीं पता चल पा रहा, कैमरे पता ही नहीं चल पा रहा बारिश हो रही है क्योंकि धीमी धीमी हो रही है, बहुत बड़ा शहर है ये देखिए, ये देखिए आपको वाह। अब हम लोग बाईपास से जाएंगे अल्बोड़ा से, मतलब उसके साइड से जाएंगे, सिटी के अंदर नहीं घुसेंगे। बाकी इधर देखो और कितनी खाई है, प्लीज सामने देखिए लाल पीले नीले हरे सब कलर के घर बने हुए हैं। अभी हम लोग अल्बोड़ा के आगे आ चुके हैं और कैंची धाम पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस वजह से अभी तक हम लोग को साइड नहीं दे रहा है, कतई साइड ही नहीं दे रहा है दन्नो, अब बंदा 20 किलोमीटर से मतलब जगह होती है लेकिन साइड नहीं दे रहा है, दन्नो बदतमीजी कर रहा है, तुम्हारी इच्छा पूरी ना है कि पीछे चल रहा है, क्या इच्छा साइड करते कर ही रहा है, नहर मिल गई तुम्हें तुम्हारी, अब हम लोग को नहर मिल गई, अब इसी किनारे किनारे हम लोग नहर नैनीताल तक जाएंगे, ये हम लोग करीब 20-25 किलोमीटर मिलेगी नहर, ये देखिए ये वाली इसका हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, ये देखिए ये नहर, ये छोटी मोटी नदी कह सकते हैं जैसे पहाड़ों से पानी आता है, मेरे साइड आए और रोड भी बन रही है इधर की, देखिए हाईवे बन रहा है, अभी सिंगल लाइन है लेकिन हाईवे बन रहा है, काम चल रहा है, ये देखिए धुंध देखिए कितनी है, बराबर काम चल ही रहा है और हो सकता है अगले साल एक साल में इधर हाईवे बन जाए, अल्मोड़ा तक का काम अभी चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, ये देखिए वर्कर लोग लगे हैं, काफ़ी काम चल रहा है रोड पे, काफ़ी रोडें काफ़ी हद तक सुधर गई हैं इधर, ये देखिए यहाँ पे जो सड़क का काम चल रहा है हाईवे का, तो उसमें ये सब घर अभी देखो टूटेंगे धीरे धीरे, पीछे टूटते आ रहे हैं, अभी आपको दिखाएं जो ये टूट रहे हैं, ये सब आगे के जो भी हैं ये सब टूट रहे हैं, ये देखिए अभी ये सब टूटेंगे, हाईवे बनेगा क्योंकि अभी सकरा रास्ता है पतला, उस चक्कर में ये सब अपनी खाली कल कर जाएगा। लोग यहाँ पे रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, अभी 2000 का पेट्रोल डलवाया हम लोगों ने, ये देखिए 1900 का पेट्रोल डलवाया, देखिए हम लोग अब पानी के किनारे किनारे चल रहे हैं, ये अब चल नैनीताल तक, नैनीताल से पहले तक हम लोग ये किनारे किनारे इसके चलेंगे, ये देखिए ये अब दिख नहीं रहे, अब दिख रही है, देखो पानी ये देखिए
मुरैना की मार्केट में है और अब इसने मतलब साइड दे दिया ट्रक वाले ने, बहुत देर से साइड नहीं दे रहा था लेकिन समझदार है, उसको उधर ही जाना था मार्केट या ये कस्बा या जनपद भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है लेकिन पता नहीं, आप लोगों को पता होगा कमेंट करके बताना, हमारे भी फॉलोवर का नाम सब्सक्राइबर को पता होगा क्या है। और यहाँ पे एक पेट्रोल टंकी भी है जो एसपी की है, ये देखिए साइड में पेट्रोल टंकी है, यहाँ से आप लोग पेट्रोल डला सकते हैं आराम से। हमने नहीं डलाया लेकिन हमने पीछे डला दिया है। इस रोड पे पेट्रोल टंकी बहुत है, हर 20 किलोमीटर पर पेट्रोल टंकी है, पावर वाला भी मिलता है बिना पावर वाला भी मिलता है, लेकिन हमने पावर वाला नहीं डलाया था। ये देखिए मार्केट कितनी अच्छी मार्केट है, इस साइड पहाड़ है सुंदर सुंदर हरे भरे ग्रीन, जो कि बरसात में ग्रीन रहते हैं और दिसंबर में यहाँ पे बर्फ मिल। कैंची धाम पहुँच चुके हैं, ये सामने मंदिर है, उधर जाके दिखाएंगे आप लोगों को। इधर से हम लोग आ रहे हैं और इधर हम लोगों को जाना है, ये सामने ये देखो कैंची धाम है, अभी दिखा रहे हैं जाके आप लोगों को। अभी हम लोग सब लोग उतर चुके हैं गाड़ी से, ये हम लोग मंदिर आ गए हैं कैंची धाम, ये सामने मंदिर है कैंची धाम वैष्णो वैष्णवी देवी है, नीम करौली बाबा का मंदिर है ये। ये देखिए यहाँ पे पानी देखो कितना साफ है, कितना क्लीन दिख रहा है, ये पानी। बाकी चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को, ये है चारों तरफ का नज़ारा, ये देख लीजिए दर्शन कर लीजिए। ये देखिए अंशु लोग अपना पानी नहीं आ रहे हैं, ये भी पानी नहीं आ रहे हैं, गुरुजी अपने मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। और हम लोगों की गाड़ी कहाँ खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है, वहाँ पर कहीं जगह है, ये देखो थोड़ी थोड़ी दिख रही है, ये सब बाइक दिख रही है। अभी हम लोग रुके क्या हैं मतलब मजबूरी रुके हैं, एक छोटा सा वो क्या नाम गड्ढा आया था तो उसमें हम लोगों का व्हील कवर निकल गया, और ये देखो व्हील कवर लिया है ढूंढ के, सही सलामत ढूंढ लिया है, कुछ नहीं होता गुरुजी, चला गया, अब कुछ नहीं होता, इतनी गाड़ी निकली है, गाड़ी नहीं होती, थोड़ा थोड़ा अभी व्हील कवर नहीं लग पाएगा, इसको चक्कर की तरह नीचे ये रख दो तो हम लोगों ने आराम से यहाँ टांग दिया, किसी की जरूरत होगा तो ले लेगा, हम सब कुछ आने ले, और वहाँ पे निकला था वहाँ उस जगह पे, लेकिन अब हम लोग चलते हैं फिर से, कहाँ आओ बैठोगे, निकलते हैं फिर से यहाँ से, भीमताल ख़त्म हो गया हम लोग यहाँ, ये जो पीछे दिख रहा है ये सब भीमताल है, भीमताल यहाँ से ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ, ये हल्द्वानी रोड जा रहा है बाईपास, हल्द्वानी भी यहाँ से शायद करीब 20 से 25 किलोमीटर है, थोड़ी देर पहले देखा था 30 किलोमीटर दिखा रहा था, अब लमसम 20 से 25 किलोमीटर। ये अभी दिन में आते तो मतलब ये भीम ताल है पूरा, देखिए ताल अगर पानी से चमक रहा होगा आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाते थोड़ा, नहीं दिख पा रहा है, पूरा भीम ताल है ये, इस समय दिख नहीं रहा है, अंधेरा है सब चारों तरफ से, लेकिन लाइटिंग से पता चल रहा है। ये हल्द्वानी है, हम लोग को यहीं इधर से ही जाना है अभी, लेकिन ये यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, देखने में लग रहा है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, 22 ओहो 22 किलोमीटर दूर है, 50 आगे का, लेकिन 100 रुपये यहीं कट जाएंगे, आगे टोल देना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फास्टैग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कैश देना पड़ता है, सबसे बड़ी दिक्कत, इसीलिए यहाँ पे देखो जाम लगता रहता है, 105 रुपये कटा है, और उधर ये जो ट्रक देख रहे हैं उसका 505 रुपये है, ये देखिए इसका 505 रुपये टोल कटा है, हम लोगों का 105 रुपये है। अभी हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं, उनका खाना आ गया है और खाना हम लोग स्टार्ट भी हो गया, अभी तो लग गया खाना सबकी थाली में, ये पनीर कढ़ाई पनीर फ्राई दाल रोटी गोभी बटर के साथ, बटर इधर रखा है, अच्छा नज़ारा ले लेंगे सब लोग अपने मिला। बाकी ढाबे का ये देखो ऐसा ढाबा है, चारों तरफ देख सकते हैं कितना बढ़िया ढाबा बना है, हाईवे से के बिल्कुल पड़ोस में ही है, ढाबे का नाम है क्या नाम है दस मेज ढाबा। अब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं, खाना खा के हम लोग सब निकल चुके हैं, घूमते जा रहे हैं, मुंह में सौंफ भरी है, सौंफ और मिश्रे के दाने हैं, बाकी खाना यहाँ का बहुत टेस्टी था जो हमारे गुरुजी लाए थे, मतलब गुरुजी ने रेस्टोरेंट ढूंढा था। अब गाड़ी देखो हमारी वो खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी हम लोगों की, अब ये इधर से हाईवे जा रहा है, देखो ये हाईवे जा रहा है जैसा।